लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अभी अभी भारतीय सेना को मिले ये आदेश, कश्मीर में छाया शोक का मंजर, मचा हाहाकार। भारतीय फौज को मिले हमला करने के आदेश। अभी अभी भारतीय सेना को मिले ये आदेश, कश्मीर में छाया शोक का मंजर, मचा हाहाकार। भारतीय फौज को अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्रवाई करने के आदेश मिले हैं। हाल ही में हुए पाकिस्तानी हमले में हुए भारतीय सैनिक और उनके पार्थिव शरीर के साथ हुई बर्बरता का बदला लेने के लिए भारतीय फौज को पूरी तरह से अपनी शक्ति दिखाने के आदेश मिले हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में हुए पाकिस्तानी हमले में दो भारतीय सैनिक हेड कांस्टेबल प्रेम सागर BSF और JCO पर मजीत सिंह शहीद हो गए थे। ये ही नहीं, इस हमले में भारतीय सैनिक के शरीर के साथ भी छेड़छाड़ की गई। इस शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय फौज को आदेश मिले हैं कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री सीता निर्मलन ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और इस शहादत का बदला लेने की बात कही है। कमेंट बॉक्स में लिखे इक्वल्स हर हर मोदी। भारत शुरू से ही कश्मीर के मुद्दे को शांति से हल करना चाहता है, पर अब लगता है कि शांति से पाकिस्तान के साथ कोई मसला हल ही नहीं हो सकता है। शांति के संदेश को कायम करने के लिए ही भारतीय फौज ने ऑपरेशन ऑल आउट में रमजान पाक महीने में नरमी दिखाई और कोई कार्रवाई नहीं की, परंतु संदेश को समझने के बजाय पाकिस्तानी आतंकियों और जिहादियों ने इसे अपनी जीत समझ ली और लगातार बॉर्डर पर हमले करते हैं और ईद जैसे पाक त्योहार पर भी वो लोगों को भड़काकर पत्थरबाजी करवाने, बॉर्डर पर युद्ध विराम तोड़ने और आतंकी हमले से नहीं चुके, जिसके बाद से ही ऑपरेशन ऑल आउट को फिर से शुरू कर दिया है और पहले से ज्यादा सख्ती से। इस निर्णय से लंबे समय से चल रहे लोगों के आक्रोश में कुछ कमी जरूर आई होगी, क्योंकि एक लंबे समय से कश्मीर मोर्चे पर तत्कालीन सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा है। इसीलिए तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय फौज को पूरी तरह से कार्रवाई करने से आदेश दिए हैं।